नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे स्ट्रेट सलवार बनाने का आसान सा तरीका। देखिए, जो स्ट्रेट सलवार होती है ज़्यादातर पाकिस्तानी स्टाइल में बोलते हैं उसको, पाकिस्तानी स्टाइल में बनाई जाती है, जिसमें यहाँ पे आप देख रहे होंगे लेस से हमने डिजाइन दिया हुआ है। बिना बुकरम की यहाँ पे मोरी बनाई हुई है, बुकरम वगैरह कोई नहीं लगाई हुई है। और इसमें हमने स्ट्रेट रखने के लिए बॉक्स प्लेट डाली हुई है। जो बेल्ट है, बेल्ट में हमारी कम चौड़ाई वाली होती है। यहाँ पे ये देखिए, 3 इंच की हमारी यहाँ पे बेल्ट होगी। इस तरीके से छोटी बेल्ट डलती है, आसन थोड़ा बड़ा कटिंग होता है। और फ्रंट और बैक हमारी कुछ इस तरीके से होती है। देखिए, बैक में यहाँ पे हमने प्लेट डाली हुई है दो दो, और फ्रंट में हमने तकरीबन यहाँ पे चार चार प्लेट डाली हुई है। तो आइए सीखते हैं इसकी कटिंग कैसे करते हैं और किस तरीके से स्टिचिंग की जाती है। दोस्तों, जो आपने सलवार देखी है वो पाकिस्तानी सलवार है। तो पाकिस्तानी सलवार बनाने के लिए हमें 2 मीटर कपड़ा चाहिए होता है। तो यहाँ पे ये है हमारे पास 2 मीटर इस तरीके से फैब्रिक। तो इसकी जब हम कटिंग करेंगे तो आपने यहाँ पे ध्यान देना है, इस तरीके से हम इसको सेट करते हैं, ऐसे यहाँ पे इस तरीके से इसको अच्छे से सेट करेंगे। मतलब बंद वाला हिस्सा अपनी साइड अपोजिट साइड रखते हैं, और अपनी साइड यहाँ पे बंद वाला हिस्सा रखेंगे, ये वाला, ये बंद रहेगा। और इसमें कोई कली वगैरह नहीं डाली जाती, जैसे कि मैंने दिखाया है आपको, पूरी सलवार बिना कलियों वाली होगी। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे ध्यान देना है कि ऊपर की साइड हम बिल्कुल सीधा यहाँ पे निशान लगाते हैं, इस तरीके से यहाँ पे बिल्कुल सीधा निशान लगाएंगे और यहाँ पे सीधी कटिंग कर लेंगे। ये हमारा बिल्कुल सीधा निशान आ जाएगा। इसके बाद हमें ऊपर बेल्ट देखना है, बेल्ट कितने इंच की डालनी है। तो बेल्ट हम जो डालेंगे यहाँ पे 5.5 इंच की कटिंग करेंगे, तो उसके लिए हम यहाँ पे 2 इंच ऊपर लेंगे। ये आपने ध्यान देना है, 2 इंच का हम ऊपर की साइड निशान लगाएंगे, यहाँ पे इंच टेप ऊपर की साइड निकालेंगे, और बेल्ट कटिंग होगी हमारी 5.5 इंच की, जो कि नेफा वगैरह फोल्ड होने के बाद हमारी तैयार आ जाएगी यहाँ पे 2 से 2.5 इंच की। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस तरीके से फुल लेंथ का निशान लगा लेंगे। लेंथ है हमारी यहाँ पे 38, 38 पे हम बिल्कुल सीधा निशान यहाँ पे लगा देंगे इस तरीके से। जितना आपका पोंचा होता है उससे 1 इंच ज्यादा निशान लगाना है। जैसे हमने 6.5 पोंचा रखना है, 1 इंच हम एक्स्ट्रा निशान लगाएंगे यहाँ पे। ये हमारा पोंचा हो जाएगा 6.5 इंच, जो कि हमें तैयार रखना है। इसके बाद हम आसन वाले पॉइंट पे चलेंगे। देखिए, यहाँ पे यहाँ से आएगा हमारा आसन। तो आपने यहाँ पे ध्यान देना है, जो आसन है ऊपर की साइड हमारी बेल्ट आ जाएगी, तो बेल्ट के बाद हमारा यहाँ पे जो तैयार आसन आना चाहिए 13 से 13.5 इंच आना चाहिए। तो हम 13 पे यहाँ पे ये निशान लगा लेंगे, और इस निशान को यहाँ पे इस तरीके से जोड़ेंगे। यहाँ पे ऐसे हम जोड़ देते हैं, और इन निशानों को बिल्कुल सही सीधा करके कंप्लीट करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे इन्हीं निशानों के ऊपर कटिंग कर लेंगे। तो दोस्तों, ये देखिए, सलवार तो हमारी कट चुकी है। इसके बाद हम यहाँ पे जो लेस का डिजाइनिंग करेंगे, तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना है। यहाँ पे हम कटिंग करेंगे नीचे की साइड से। यहाँ पे आपने ध्यान देना है, नीचे की साइड से हम 3 इंच का निशान लगाएंगे ऐसे, और यहाँ पे सीधा निशान लगाएंगे। इसके बाद हम यहाँ पे ऊपर की साइड लगाएंगे इसका डबल, 6 इंच का निशान। यहाँ पे आएगी हमारी ये व्हाइट कलर की लेस, तो इसको हम यहाँ पे कट कर लेंगे। जुड़ेंगे ये आपस में ऐसे ही जुड़ेंगे, जब हम इनको जोड़ेंगे इसी तरीके से ये ज्वाइंट होंगे, और नीचे की साइड यहाँ पे लेस लग जाएगी बीच में इस तरीके से दोनों साइड में। तो ये भी मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से तैयार करते हैं। अब बात आ जाती है बेल्ट की, हमें बेल्ट भी कटिंग करनी है। तो बेल्ट कटिंग करने के लिए हमारे पास है ये वाला फैब्रिक। तो इसमें हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस तरीके से जो हमारे पास ये बचा हुआ है फैब्रिक, देखिए जो पाकिस्तानी सलवार होती हैं उनका बेल्ट कटिंग करने का तरीका अलग होता है। या तो आप उनको पैंट के तरीके से बनाएं, या आप जैसे मैं बता रहा हूँ ये भी तरीका बिल्कुल सही होता है। अगर हमारी हिप 40 इंच है तो इसमें हमें यहाँ पे 5.5 से 6 इंच प्लस करना है, तो ये हो जाएगा हमारा 46 इंच
46, तो इसका हाफ हो गया हमारा 23 इंच। 23 इंच की हमारी यहाँ पे बेल्ट तैयार आनी चाहिए और चौड़ाई रखेंगे 5.5, तो 5.5 बाई 23 की हमारी यहाँ पे बेल्ट आएगी। तो 5.5 इंच हम चेक कर लेते हैं, यहाँ पे जहाँ पे भी आएगा उस हिसाब से हम निशान लगा लेंगे इस तरीके से, सीधा कर लेते हैं यहाँ पे और इस तरीके से देखेंगे 23 इंच जहाँ तक भी आता है, 23 और 5.5, तो ये हमारी रहने वाली है यहाँ पे बेल्ट। तो ये हमारी बेल्ट भी कटिंग हो चुकी है। देखिए पूरी सलवार हमने पाकिस्तानी स्टाइल वाली आपको कटिंग करके दिखाई है और यहाँ पे ये हमारी बेल्ट लग जाएगी। अब बात आती है प्लेटों वाली, प्लेटें इसमें कैसे डाली जाती है। तो प्लेटें मैं आपको बता दूं, प्लेटें हमेशा कभी भी आप इसमें इस पॉइंट पे बिल्कुल भी नहीं डालोगे। प्लेटें डालने का तरीका होता है इसका, हमारा यहाँ से 4.5 इंच छोड़ना, तो यहाँ से 4.5 इंच हम छोड़ते हैं तब प्लेटें डालनी शुरू करते हैं। ये देखिए यहाँ पे हमने 4.5 इंच पे ये कट लगा दिया है, उसके बाद हमारी इधर की प्लेटें आएंगी जितनी भी आएंगी, ठीक है। ये आपने यहाँ पे ध्यान रखना है, तो पूरा पीस इसी में हमारा नेफा बन जाएगा, यहाँ पे नेफा बनेगा, इस तरीके से ये सलवार आएगी यहाँ पे पूरी, और पूरी हमने फिनिशिंग के साथ में आपको कटिंग करके दिखाई है। तो सबसे पहले तो मैं नीचे का यहाँ पे डिजाइन तैयार करूंगा, फिर आपको ऊपर की बेल्ट तैयार करके ये पूरी सलवार तैयार करनी बताऊंगा। तो इसके लिए चलते हैं मशीन पे। दोस्तों यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको एक साइड की लेस लगा के दिखा देता हूँ, फिर बाकी सभी जगह की लेस हमारी वैसे ही कंप्लीट रहेगी। तो देखिए ये है जैसे हमारे पास पहुंचा ये वाला, ये हमारी सीधी साइड है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लेस को रखेंगे इस तरीके से। इसका उल्टा सीधा आपने देख लेना है कैसे आना चाहिए, यहाँ पे ध्यान रखना है। इस तरीके से हम यहाँ पे ऐसे रखेंगे और यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। लेस हमारी यहाँ पे ऐसे आ जाएगी, ऊपर से यहाँ पे लगा लेते हैं फिर से सिलाई, क्योंकि ऊपर से सिलाई लगाने के बाद हमारी पूरी फिनिशिंग आ जाती है। ये देखिए ये लेस हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। अब जो बड़े वाला पल्ला है यहाँ पे हमें जोड़ना है, फिर उसके बाद लास्ट वाला पल्ला जोड़ना है। तो यहाँ पे इनमें से एक ले लेते हैं और ये भी हमारा ऐसे रहेगा, यहाँ पे ये ध्यान रखें इस तरीके से रहेगा, और यहाँ पे हम इसको जोड़ेंगे। सेंटर का ध्यान रखें, सेंटर मिलाते हुए हमें ये जोड़ना होता है, क्योंकि ये थोड़ा कम ज़्यादा हो जाता है मार्जिन के कारण। यहाँ पे ऐसे इसमें सिलाई लगा, तो इसके बाद हम यहाँ पे भी सिलाई लगा लेंगे ऊपर की साइड। तो ये देखिए एक साइड हमने यहाँ पे लेस ये कंप्लीट कर ली है। अब सेम इसी तरीके से जो हमारे पास छोटी 3 इंच वाली पट्टी है, ये वाली यहाँ पे, ये हमारी 6 इंच की पट्टी थी और ये हमारी 3 इंच वाली पट्टी थी, दो, तो एक पोंचा हमारा इसी तरीके से यहाँ पे तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे भी हम लेस लगा लेते हैं।
तो ये देखिए दोस्तों, हमने नीचे की साइड में यहाँ पे इस तरीके से ये लेस लगा दी है। कहने का मतलब जैसे हमने कटिंग की थी वैसे ही हमने लेस लगा के इसको कंप्लीट कर दिया है। इसके बाद हमने यहाँ पे नीचे का पोंचा तैयार करना है जिसको मोरी बोलते हैं। उसके लिए लिए है हमने 2 इंच वाली पट्टी यहाँ पे। तो मैं आपको बता दूँ, जो पाकिस्तानी सलवार है उनमें बुकरम बहुत ही कम लगाई जाती है, जो कि बुकरम जैसे आपने देखा होगा, नहीं तो सिंपल कपड़ा रखा जाता है और इसको तैयार कर दिया जाता है। अगर आप बुकरम लगाना चाहें तो बुकरम लगा सकते हो। तो यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे, 1/2 इंच चौड़ाई वाली हमने यहाँ पे लगानी है सिलाई। इसके बाद हम यहाँ पे इसको ऐसे फोल्ड करेंगे, ऐसे फोल्ड करने के बाद अच्छे से इसको सेट करेंगे और यहाँ पे पलटते हुए, ये देखिए इस तरीके से पलटते हुए यहाँ पे लगा लेंगे सिलाई। ये हमने सिलाई लगा ली है। इसके बाद हम यहाँ पे एक एक पैर की सिलाई लगा लेंगे पोंछे में, पूरे में बिल्कुल सीधी सिलाई लगानी है। तो ये देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे ये पोंछा जो है तैयार कर लिया है, एक एक पैर की सिलाई लगा ली है और इसमें हमने कोई भी बुकरम नहीं डाली है, क्योंकि जो पाकिस्तानी सलवार होती है उसमें बुकरम नहीं डाली जाती। और सेम इसी तरीके से हमने दूसरा पोंछा तैयार कर लिया है। ये देखिए यहाँ पे भी सेम यही तरीका रहेगा, दूसरा पोंछा तैयार कर लिया है ऐसे ही। अब हम पोंछे को इस तरीके से रखेंगे यहाँ पे ऐसे, ये देखिए आपस में यहाँ पे इस तरीके से मिलाना है और इस साइड में आना है और यहाँ पे हमारे दोनों आसन मिल जाएंगे। आसन मिलते ही हम यहाँ पे सबसे पहले आसन को जोड़ लेंगे। हमने आसन जोड़ लिया है, अब हम दूसरी साइड के यहाँ पे ये वाले आसन भी जोड़े गए। एक हमारा फ्रंट के लिए आसन होता है, एक बैक साइड के लिए। ये हमने दोनों आसन यहाँ पे जोड़ लिए हैं। फिर से हम नीचे जाएंगे और यहाँ पे अलग अलग मोरी इस तरीके से फोल्ड करते हुए यहाँ पे ये मोरी तैयार करेंगे। तो यहाँ पे जितना हमने पोंछे का नाप रखना होता है तो उतना आपने यहाँ पे निशान लगा लेना है। जैसे हमने 6.5 इंच रखना है, आप इसमें कम ज़्यादा रख सकते हो, वो आपकी इच्छा है। और यहाँ पे इस तरीके से साइड जोड़ेंगे ये वाली। आसन पे ही हम सिलाई को यहाँ पे पूरा करते हैं। ये देखिए एक साइड हमने यहाँ पे जोड़ दी। अब हम जो एक्स्ट्रा यहाँ पे कपड़ा होगा उसको सीधा करते हुए ऐसे कटिंग कर लेंगे। तो एक पोंचा हमारा यहाँ पे रेडी हो चुका है। सेम ऐसे ही हम यहाँ पे दूसरी साइड के पोंचे में भी यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। तो ये देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे ये दोनों पोंचे जो हैं जोड़ लिए हैं और पूरा पीस हमारा यहाँ पे कुछ इस तरीके से रेडी हो जाएगा ऐसे देखिए। इसके बाद अब हमें यहाँ पे डालनी है ऊपर की साइड बेल्ट। तो ये है हमारे पास बेल्ट जो हमने कटिंग की थी। अब इसका मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए कितना एरिया एक्स्ट्रा होता है यहाँ से यहाँ तक, और ये वाला जो एरिया होगा इतना हमारा ये एक्स्ट्रा होगा। तो इसको हमें कवर करना है यहाँ पे प्लेटों में, ठीक है।
तो प्लेट मैंने बताया था यहाँ से 4.5 इंच छोड़ के तब इस साइड में डालनी होती है, नहीं तो हमारी सलवार जो है वो घूम जाएगी। और जो पाकिस्तानी सलवार होती है वो बिल्कुल स्ट्रेट रहनी चाहिए, ये हमेशा ध्यान रखें। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बेल्ट तैयार कर लेते हैं, जैसे नॉर्मल सभी बेल्ट तैयार की जाती हैं ऐसे ही इस बेल्ट को तैयार करेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे ये बेल्ट जो है तैयार कर ली है, ये हमारा नेफा होगा इस तरीके से। अब हमें इसको बेल्ट को ज्वाइंट करना है, तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे हमें पहले प्लेट डालनी है, तो सबसे पहले हम जो प्लेट डालेंगे बैक साइड में डालेंगे। आप इसमें से कोई सा पार्ट फ्रंट बैग में रख सकते हो, और यहाँ पे डालनी है हमें प्लेट। तो ये हमारा सेंटर पॉइंट है, यहाँ पे बैक साइड वाले आसन है। तो यहाँ से हम जो प्लेट डालेंगे इस तरीके की प्लेट डालेंगे, देखिए ऐसे। ये हमने दूरी रखी हुई यहाँ पे 4.5 इंच वाली। बॉक्स प्लेट हम यहाँ पे डाल रहे हैं, वैसे भी डाली जाती हैं, अगर आप बॉक्स डालोगे तो आपके लिए ज़्यादा सही रहेगा। ये हमने दो प्लेट डाली हैं बैक साइड में एक साइड। अब दो प्लेट सेम यहाँ पे डाल देते हैं ऐसे ही। तो ये देखिए दूसरी साइड भी हमने यहाँ पे दो प्लेट डाल ली है। इसके बाद हम यहाँ पे एक साइड में यहाँ पे आपको प्लेट डाल के दिखाऊंगा। इस साइड में डालनी है हमें फ्रंट में तीन प्लेट। कहने का मतलब है आप फ्रंट में ज़्यादा प्लेट रखें और बैक में कम रखें। ये हमारी तीन प्लेट हो गई हैं एक साइड फ्रंट में, और तीन प्लेट हम यहाँ डाल देते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, तीन प्लेटें हमने यहाँ पे डाल ली हैं, और तीन डाल ली हैं हमने इस साइड में, और दो दो प्लेटें हमने डाल ली हैं बैक साइड में। अब हमें यहाँ पे पहले चेक करना है कि हमारी बेल्ट यहाँ पे कम ज़्यादा तो नहीं है, या कितना रहता है हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा। तो हम यहाँ से चेक करेंगे, तो तकरीबन हमारा यहाँ पे 1.5 इंच का एक्स्ट्रा ही निकल रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, किसी भी पॉइंट पे यहाँ पे, चाहे आप यहाँ पे प्लेट डालें, चाहे इधर प्लेट डालें, चाहे इधर डालें, कहीं पे भी आप प्लेट डाल सकते हो, लेकिन प्लेट आपकी आमने सामने होनी चाहिए। अगर आप यहाँ पे सेंटर में प्लेट डाल रहे हो तो दूसरे नेफे पे भी आप सेंटर में प्लेट डालोगे, नहीं तो आप इनको तीन की जगह चार प्लेट कर सकते हो, ठीक है। या जैसे तीन है तो 3.5 भी कर सकते हो, वो आपकी इच्छा है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, बैक साइड में जोड़ते हुए चलेंगे। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, बैक वाला पार्ट ये है, ये हमारा फ्रंट वाला है नेफे वाला। तो यहाँ से हम बिल्कुल सेंटर मिलाते हैं इस तरीके से, और यहाँ पे 1/2 इंच से इसको जोड़ते हुए चलेंगे। बैक साइड की आपकी दो प्लेट ठीक हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दो सही रहेंगी, क्योंकि बॉक्स प्लेट का मार्जिन भी थोड़ा ज़्यादा होता है। अब हम यहाँ से चेक करते हैं हमारा कपड़ा कितना है, ये वाली सिलाई है, और यहाँ से हम ऐसे चेक करेंगे। तो ये हमारा कपड़ा यहाँ पे बचता है तकरीबन तकरीबन वही 1.5 इंच के आसपास। तो हम यहाँ पे एक प्लेट और भर देंगे ऐसे, और यहाँ पे चेक करेंगे कि हमारा सेंटर बिल्कुल ठीक आना चाहिए। तो एक प्लेट हमने यहाँ पे और डाल देनी है। तो ये देखिए यहाँ पे हमारी सिलाई जो है आसन से नेफे वाली मैच करेगी, ये देखिए।
यहाँ पे भी हमें सेम ऐसी ही प्लेट डालनी होगी, क्योंकि तभी हमारी दोनों साइड यहाँ पे बराबर आएंगी और पूरी बेल्ट बराबर आएगी। तो ये देखिए, जहाँ से हमने सिलाई की शुरुआत की थी वहाँ पे ही हमारी पूरी बेल्ट आ जाएगी। तो बेल्ट हमने यहाँ पे ये देखिए फिक्स कर दी है। ऐसे मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ पे ये हमारी दो प्लेट हैं, ये हमारी बैक साइड है और फिर दो प्लेट हैं, और इस साइड में हमारा यहाँ पे ये इस तरीके से प्लेट है। ये एक दो तीन प्लेट हमने डाली थी और एक बाद में हमें एक्स्ट्रा डालनी पड़ी है, क्योंकि यहाँ पे मार्जिन हमारा ज़्यादा था। ऐसे ही हमने इधर किया है, एक दो तीन, और यहाँ पे ये एक्स्ट्रा प्लेट डाली है जो कि हमारा मार्जिन ज़्यादा था। तो अब पूरी सलवार हमारी हो चुकी है रेडी, तो मैं आपको कटिंग टेबल पे दिखाता हूँ पूरा बिछा के इसको। तो ये देखिए दोस्तों, जो सलवार है हमारी हो गई है कंप्लीट। और यहाँ पे आप देखोगे ये हमारा आसन वाला पार्ट है, ये इस तरीके से दोनों साइड में यहाँ पे ये प्लेटें आएंगी। ये देखिए प्लेटें डली हुई है, बॉक्स प्लेट, और ये हमारी बैक साइड रहेगी इस तरीके से। इधर हमने दो दो प्लेट डाली हुई हैं इस तरीके से, यहाँ पे भी ये बॉक्स प्लेट रहेगी। और ये जो हमारा ये फ्रंट है, ये हमारा नेफा है इस तरीके से, जिसमें हम यहाँ पे कमरबंद डाल सकते हैं। और पूरी सलवार मैंने आपको यहाँ पे कटिंग और स्टिचिंग करके दिखाई है एक एक पॉइंट पे, और ये बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी। मतलब इस तरीके की जो सलवार होती है ये घूमेंगी नहीं, जैसे कि घूम जाती है, ये बिल्कुल सही आएगी। तो दोस्तों, मैंने पूरा आपको समझाने की कोशिश की है किस तरीके से आप यहाँ पे जो पाकिस्तानी सलवार होती है, स्ट्रेट सलवार होती है, कटिंग की जाती है, किस तरीके से स्टिचिंग की जाती है, कैसे प्लेटें डाली जाती हैं। और यहाँ पे इसके बाद मैं आपके लिए एक फुल लास्टिक वाली या बेल्ट वाली सलवार भी लेकर के आऊँगा, जिसमें कि मतलब फ्रंट में बेल्ट डलती है, बैक में लास्टिक डलती है, और पूरी वो भी पाकिस्तानी स्टाइल में ही कटिंग और स्टिचिंग में आपको आगे आने वाली बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।